हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए फॉर्म भरा था और अपना एग्ज़ाम दिया था सीबीटी फेस वन का, तो उन कैंडिडेट की फ़ीस रिफंड की जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था फीस रिफंड के बारे में। अब आपको फीस रिफंड लेने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा और अपना बैंक की डिटेल कैसे ऐड करना है या फिर अपडेट करना है, इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं पूरा लाइव प्रोसेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और आपको सर्च बार में जो है यहाँ पर सर्च करना है RRB, इतना आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप RRB टाइप करके सर्च करेंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक फर्स्ट वाली लिंक आ जाएगी। आप देख सकते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का ये यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ चुका है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस प्रकार से न्यू टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ पर देख सकते हैं पिछली वीडियो में हमने आपको 6 अगस्त 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था फीस रिफंड को लेकर, वो हमने आपको यहाँ पर दिखाया था। तो आप चाहे तो इस नोटिस को फिर से देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 9 अगस्त 2021 का ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं NTPC पोस्ट लिंक फॉर अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल फॉर फीस रिफंड ऑफ CVT फर्स्ट दिस लिंक विल बी लाइव फ्रॉम, आप देख सकते हैं 11 अगस्त 2021। तो देख सकते हैं आज से ये लिंक जो है एक्टिवेट हो चुकी है फीस रिफंड के बैंक की डिटेल अपडेट करने के लिए, और 31 अगस्त तक आप जो है अपनी बैंक की डिटेल अपडेट या फिर ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो है बैंक मर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो है बैंक की डिटेल ऐड नहीं थी या फिर उनकी बैंक की जो डिटेल थी वो काफ़ी सारे बैंक अकाउंट जो है बंद हो चुके हैं या फिर उन पर होल्ड वगैरह लगे हुए हैं, तो वो अपनी बैंक की डिटेल अगर ऐड करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो इस लिंक पर जो है उन्हें क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा बैंक अकाउंट डिटेल फॉर एग्जाम फीस रिफंड ओनली फॉर CVT अटेम्प्ट कैंडिडेट। तो केवल आपने एग्जाम दिया है तभी आपकी ये फीस रिफंड होने वाली है, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड यहाँ पर आपको मैट्रिक रोल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर क्लास 10th का जो है रोल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको फादर्स नेम यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपके मोबाइल पर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तब आपको यहाँ पर चेक मार्क करना है नॉट रिसीव OTP के ऑप्शन पर, और इसके बाद आपको जो स्क्रीन पर कैप्चा कोड शो कर रहा है वो आप इस बॉक्स में जो है फिल करेंगे और आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने स्टूडेंट की जो डिटेल है वो फिल कर दी है। डिटेल फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से न्यू इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड जो है आपका डाटा देखने को मिल जाएगा फॉर्म से संबंधित, और इसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट की जो बैंक की डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बैंक के नेम एंटर करना है, कौन सी बैंक का अकाउंट है, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर आपको, और यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे। इसके बाद आपको ब्रांच नेम एंटर करना है, तो ये सभी डिटेल आपको बैंक पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाएंगी, तो ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो यहाँ पर हमने डिटेल एंटर कर दी है, एंटर करने के बाद आपको लास्ट में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपका यहाँ पर एक बार कंफर्म करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है एंड सबमिट के ऑप्शन पर, तो इस लास्ट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस प्रकार से प्लीज एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन इसका ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप इसे ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद आपके सामने लास्ट में मैसेज शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं बैंक की डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो यहाँ पर हमारी जो बैंक की डिटेल है वो ऐड हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्टूडेंट का डाटा जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं बैंक की डिटेल, और अपनी जो फीस रिफंड है वो आपके इसी अकाउंट में ऐड की जाएगी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा। तो फ्रेंड ये था एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद।